हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री में एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे हम। चैप्टर थ्री क्या है? नोइंग नंबर्स, नंबर्स के बारे में जानना या प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स से खेलना। जब हम नंबर्स के बारे में समझेंगे, कुछ जानेंगे, तभी तो हम उनके साथ खेलेंगे ना। खेलने का मीनिंग क्या है इसमें? नंबर्स के साथ खेलना मीन्स नंबर को एक्सचेंज करना। कैसे हम करते हैं एक दूसरे की जगह एक्सचेंज, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स पढ़ेंगे, मल्टीपल्स पढ़ेंगे, HCF, LCM एंड डिवीजन मेथड। ये सभी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे कि डिवीजन के लिए क्या रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4 सब के लिए, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। आपको ये नंबर दिए हुए, इनके हमें क्या फाइंड करना है? फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है कि उनको ब्रेक करना, हम किस किस फॉर्म में उनको ब्रेक कर सकते हैं, कि वो नंबर किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है? उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हमें फैक्टर। अब 24 है, 24 देखते हैं किस किस की टेबल में आता है। एक तो 1 की टेबल में आता है, 24 पे 1 की और 24 की मल्टीप्लाई 1। फिर 2 की टेबल में आता है, 2 12 24। फिर 3 8 जा 24, 4 6 जा 24 और 6 4 जा 24। उसके बाद आएगा 12 2 जा 24। ये पेयर हमने पहले ही लिख रखे हैं, ठीक है? अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? फैक्टर। क्या क्या है? 1 2, ऐसे नोट करते चलेंगे, 1 2 3 4 6। उसके बाद फिर से रिटर्न कर देंगे, 4 और 6 आ चुका है, 8 12 24। पहले हम छोटे से छोटा लेके चलेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा, ऐसे लेके चलते हैं फैक्टर्स में, ठीक है? नेक्स्ट है 15। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई 15। 3 के टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, तो 2 फैक्टर नहीं है इसका। फिर 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15। फिर 5 3 जा 15। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा, और उसके अलावा 15। नेक्स्ट है 21। 21 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 1 मल्टीप्लाई 21, 3 7 जा 21 एंड 7 3 जा 21। फैक्टर क्या है? 1 3 7 एंड 21। 27 के फैक्टर, 1 मल्टीप्लाई 27। 1 हर किसी का फैक्टर होता है, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई 27, 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर कौन आता है? 3 3 9 जा 27। उसके बाद ना 4 की टेबल में आएगा, ना 5 6 7 8, इनकी टेबल में नहीं आता 27। उसके बाद क्या आता है? 9 3 जा 27। फैक्टर्स ऑफ 27 क्या आएगा? 1 3 9 एंड 27। नेक्स्ट है 12। 12 को हम क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6, उसके बाद वापस कहाँ आ गए? 12। नेक्स्ट है 20। 1 मल्टीप्लाई 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 10 2 जा 20। फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 4 5 10, 10 के बाद वापस क्या आ गए? 20। नेक्स्ट है 18। 1 मल्टीप्लाई 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। फैक्टर्स ऑफ 18, 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, 3 6 9 और लास्ट क्या आएगा हमारे पास? 18। 23। अब 23 किस किस की टेबल में आता है? 23 या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है, इसके अलावा आता ही, क्योंकि एक प्राइम नंबर है और कोई भी प्राइम नंबर होता है वो या तो खुद की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आएगा। अब देखो फैक्टर्स ऑफ 23 क्या आ जाएगा? 1 और 23 की मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है, तो 1 और 23। नेक्स्ट है 36। 1 मल्टीप्लाई 36, 2 से 18 पे जाएगा, 3 से 12, 4 9 जा और 6 6 जा। फैक्टर्स ऑफ 36 क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर्स, ठीक है, 36 के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। 5 मल्टीपल, हमें पहले 5 मल्टीपल लिखने। मल्टीपल क्या होता है? ऐसा नंबर, जैसे हमारे पास 3 है, 3 का मल्टीपल क्या होगा? जो 3 की टेबल में आते हैं नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? 3 का मल्टीपल। जो 4 की टेबल में नंबर आएंगे वो 4 के मल्टीपल, जो 5 की टेबल में आ रहे हैं वो 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है? राइट
फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, फर्स्ट हमें फाइव मल्टीपल लिखने हैं, किसके, फाइव के। तो हम फर्स्ट फाइव लिखने के लिए क्या करेंगे, फाइव की वन से कर देंगे, फाइव की टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। अगर हमारे पास सिक्स पूछ रखे तो क्या आ जाएगा, और थर्टी आ जाएगा, फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी फाइव, सेवन जा थर्टी फाइव। जो भी इसकी टेबल में आ रहे, फाइव की टेबल में, वो क्या है, फाइव के मल्टीपल्स। नेक्स्ट है एट। अब एट के मल्टीपल के लिए भी वही है, एट मल्टीप्लाई वन, एट मल्टीप्लाई टू, एट मल्टीप्लाई थ्री, एट मल्टीप्लाई फोर, एट मल्टीप्लाई फाइव। एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट टू फोर जा थर्टी टू, एट फाइव जा फोर्टी। नेक्स्ट है नाइन। नाइन के मल्टीपल्स, नाइन मल्टीप्लाई वन, नाइन मल्टीप्लाई टू, नाइन मल्टीप्लाई थ्री, नाइन मल्टीप्लाई फोर, नाइन मल्टीप्लाई फाइव। नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव। ये आ गए हमारे पास नाइन के मल्टीपल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच इट। आपको दो कॉलम दिए हुए, इनको क्या करना है, मैच करना है। देखते हैं कैसे। थर्टी फाइव, थर्टी फाइव क्या है, अब देखते हैं। अगर थर्टी फाइव को फैक्टर बोल देते, यहाँ पे फैक्टर होता तो क्या बोल देते हैं कि फैक्टर ऑफ 70, 70 का फैक्टर है। बट अब 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, क्योंकि और तो किसी की टेबल से लिंक है ही नहीं 35 का। तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल 7, 5 जा 35। तो फर्स्ट को हम किससे मिलाएंगे, बी से। नेक्स्ट है 15। 15 हमारे पास क्या है, अब देखो मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, फैक्टर ऑफ 70 ये भी नहीं है, फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर क्या होता है 15, 30 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा आपके पास, फिर 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 30, ये सब इसके फैक्टर होते हैं। तो 15 क्या आ गया इसका एक फैक्टर। नेक्स्ट है 16। 16 के लिए देखते हैं मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है और आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी हमें। 20, 20 क्या है, अब देखो सी ऑप्शन क्या है, मल्टीपल ऑफ 70, लेकिन 20 इसका मल्टीपल नहीं है। उसके बाद ई ऑप्शन क्या है, फैक्टर ऑफ 50, ये भी नहीं है, फैक्टर ऑफ 20, 20 का एक फैक्टर क्या होगा 20। लास्ट है हमारे पास 25। अब 25 के लिए हमारे पास दो हैं, मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल नहीं है और क्या है, फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर है, 50 ये हमारे पास मैच इट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 9 के मल्टीपल्स को नोट करना है, कहां तक, 100 तक। 100 तक नोट करने के लिए मल्टीपल्स को कैसे निकालते हैं, अब स्टार्टिंग से करना है हमें, तो 1 से करना शुरू कर दो, जब आपको ये लगे कि 100 तक पहुंच गए तब छोड़ देंगे। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 सिक्स जा 54, 9 सेवन जा 63, 9 एट जा 72, 9 नाइन जा 81, 9 टेन जा 90। फिर 9 की 11 से करेंगे क्या आएगा, 99। अब अगर 9 की 12 से करेंगे हम तो वो क्या आ जाएगा, 108, और 108 किससे बड़ा है, 100 से बड़ा है, तो वो हम ले नहीं सकते, इसलिए हम इसको कहां तक नोट करेंगे, 99 तक। हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे इसके मल्टीपल, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। ये सभी क्या है, 9 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है, 10 के मल्टीपल्स पूछ सकता है, 6 के पूछ सकता है, 7 के, किसी के भी मल्टीपल्स पूछ सकता है, अप टू 100 पूछ सकता है, अप टू 50 पूछ सकता है, अप टू 200 भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको सिर्फ ये पैटर्न समझना है, पैटर्न के बाद आपको ये अपने आप कर लोगे। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। ओके, थैंक यू।